सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। सुशांत के स्टाफ सिद्धार्थ पिठानी, श्रुति मोदी, रिया और शौविक चक्रवर्ती के बाद अब रिया के पेरेंट्स इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस बीच सुशांत की मौत की शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे शेखर सुमन ने सीबीआई की जाँच पर खुशी और संतुष्टि जताई है। हाल ही में ई टाइम से बात करते हुए शेखर सुमन ने कहा, अब जाँच सीबीआई के हाथ में आ गई है और उन्हें अपनी निष्पक्ष जाँच करने दीजिए, और अगर रिया बेकसूर हैं तो सीबीआई को ये साबित करने दीजिए। वो लोग पूरी लगन से काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से उनके हाथ में जांच लगभग 70 दिनों बाद आई है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, इसलिए ये सीबीआई के लिए थोड़ा कठिन काम होगा। शेखर ने आगे कहा, चाबी बनाने वाले से लेकर बाकी के लोग बाद में धीरे धीरे सामने आने लगे। आखिर इनसे पहले पूछताछ क्यों नहीं हुई? आखिर मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? इसलिए सीबीआई के लिए ये आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन वो सही रास्ते पर हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सीबीआई के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि वो केस को जल्द सुलझा लेंगे, लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि सुशांत के लिए न्याय मांगने के चक्कर में बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये मामला और भटक जाता है। शेखर सुमन ने सुशांत की आत्महत्या पर शक जताते हुए कहा, केवल दो चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, अगर ये सुसाइड है तो उन्होंने किस कारण से सुसाइड किया, हालांकि मुझे तो अभी ये मर्डर लगता है, और दूसरा, अगर ये मर्डर है तो किसने किया। और इसके अलावा ड्रग एंगल, नेपोटिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों की जांच साथ में ही रखना चाहिए, लेकिन जांच की दिशा केवल इन्हीं दो चीजों पर होनी चाहिए। वहीं सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह के मुद्दे पर एक्टर शेखर सुमन ने बॉम्बे टाइम्स से भी बात की थी। शेखर सुमन ने बताया था कि संदीप सिंह साल 2017 में आई संजय दत्त की फिल्म भूमि के प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कहा कि आगरा में शूटिंग के दौरान उन्होंने लगभग एक महीने का वक्त साथ में गुजारा था। शेखर ने बताया कि संदीप ने एक फिल्म के लिए अध्ययन सुमन से भी संपर्क किया था, हालांकि बाद में वो फिल्म बन नहीं पाई। शेखर ने ये भी बताया था कि संदीप सिंह को फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोग जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इस केस से पहले उन्हें संदीप सिंह के बारे में कुछ भी अजीब सुनने को नहीं मिला था। शेखर सुमन ने बताया था कि संदीप सिंह ने कभी नहीं कहा कि वो सुशांत के दोस्त हैं। उन्होंने कहा, संदीप ने ये जरूर बताया था कि रणवीर सिंह को संजय लीला भंसाली की फिल्म में कैसे मिली, और ये पहले सुशांत सहित कई एक्टर्स को भी ऑफर हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों सुशांत ने इन्हें करने से इनकार कर दिया था। मुझे नहीं पता कि वो सुशांत के कितने क्लोज थे, मेरी बस संदीप से प्रोफेशनल बातें ही हुई थी। शेखर सुमन ने बताया था कि सुशांत की फैमिली से मिलने के लिए पटना जाने से पहले उन्होंने संदीप से बात की थी। उन्होंने कहा, मैंने संदीप से पूछा था कि आखिर हुआ क्या है, तो इसके जवाब में संदीप ने कहा कि वो इस बारे में बाद में बताएंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो 13वीं के बाद पटना जाएंगे, तो मैंने उनके साथ जाने की इच्छा जताई। हम शायद 29 जून को सुशांत के घर गए थे। हमने उनके परिवार से बात नहीं की थी और वहाँ केवल 10 मिनट रुके थे। मैंने एक बार फिर संदीप से पूछा था कि आखिर हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा कि शायद ये आत्महत्या है। इसके बाद मैंने उनसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की। शेखर सुमन ने यह भी कहा था कि उन्हें लगता है कि अगर संदीप अपनी जगह सही हैं, तो उन्हें सामने आकर सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। उन्होंने कहा कि संदीप या सुशांत को जानने वाले किसी को भी छिपना नहीं चाहिए और ना ही सवालों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर संदीप और ज़्यादा बचने की कोशिश करेंगे तो उनके बारे में और भी ज़्यादा अटकलें लगाई जाने लगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।